रितु पापा मेरी खुशी लग बाजार वर्गे बिल्कुल जालीदार भटूरे। सत श्री अकाल दोस्तों, अज आप बनावांगे भटूरे। ये रेसिपी जी है मैं संडे नू ट्राई की थी, तो तुहाडे नाल मैं शेयर करन लगी हाँ। तो शेयर करते हुए मैं बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है, क्योंकि भटूरे इन्ने ज़्यादा वधिया बने सीगे ना कि मैं यकीन ही नहीं हो रहा है कि मैं बनाए ने। तो दोस्तों तुसी भी जरूर ट्राई करो। तो उस लई सब तो पहला आप लै लिया मैदा। मैदा तुसी अपनी रिक्वायरमेंट अनुसार लैना है, जिन्ना तुहाडा लगेगा। मैं लईयां ने 3 कौलियां तकरीबन मैदे दियां, तो उहदे विच मोस्ट इंपॉर्टेंट इनग्रीडियंट पाया है सूजी। तुसी सूजी नू बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। सूजी पाओगे ता ही जिहड़ा भटूरा आ अंदरों जालीदार जिहड़ा आ उह बनेगा। सूजी ते मैदे दा पोर्शन तुसी इदां रखना है कि जिन्ना तुसी मैदा लवोगे उहदा 1/4 हिस्सा जिहड़ा तुसी सूजी दा लैना है। तो इतने मैं थोड़ा जहा मैदा होर ऐड किया, क्योंकि मैं लग रहा है कि इन्ना जिहड़ा आ सफिशेंट नहीं होएगा साडे सारयां लई। तो बस मैदा जिन्ना लिया उहदा 1/4 भाग आपां सूजी दा जिहड़ा आ उह पा देना है। उन्होंने आपस मिक्स करन तो बाद मैं इत्थे लै लिया छोटा चम्मच, 1 पूरा जिहड़ा हैगा नमक दा। अपने टेस्ट अनुसार तुसी इत्थे नमक पाना है। तो 1 चम्मच ही मैं लिया आ चीनी दा, मान लो तुसी टीस्पून लै लो, टीस्पून 1 जिहड़ा तुसी चीनी दा पा लेना है। तो उस तो बाद नमक पा लेना है 1/2 पौना चम्मच उहदा। उस तो बाद इत्थे पाया है मैं बेकिंग पाउडर, ये छोटा चम्मच है जिहड़ा मैं तकरीबन उणा जिहा लिया सीगा। मान लो तुसी जे टीस्पून लिया तो 1/4 हिस्सा पूरा लै सकते हो। तो 2 पिंच जिहड़ा मैं इत्थे पा लिया आ बेकिंग सोडा। बेकिंग पाउडर फ्रेंड्स जिहड़ा तुसी लैना है ना, वो तुसी मन्नो तो मैं 1 छोटा चम्मच पूरा लै लो, तो 2 पिंच जिहड़ा तुसी बेकिंग सोडा लै सकते हो। तो उस तो बाद इन्हां सारे सुखे इनग्रीडियंट्स नूं आपस मिला देना। 1 कौली दही की इत्थे आपां वरतों करनी है आटा गुन्नण दे वास्ते, सिर्फ 1 कौली दही, इस तो ज़्यादा नहीं लैना है। दही बहुता ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए, ठीक ठाक होना चाहिए। तो बिल्कुल कट्ठा दही पा के आटा नहीं गुन्नना, हौली हौली थोड़ा थोड़ा दही पाते हुए तुसी आटे नू बनाना जिहड़ा है वह रेडी कर देना है। आटा तुहाडा बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए। हमेशा जिहड़ी आपां लेडीज़ 1 गलती करदे आं भटूरे बनाने लगे, जिहड़ी मैं तां करदी हुंदी सीगी, मैनूं इहदे बारे नहीं पता सी, आपां जिहड़ा है ना इहदे च तेल पा लैंदे आं, मोइनिंग कर दें। भटूरियां की मोइनिंग नहीं करनी, कोई भी उन्होंने गुन्नण लगे देसी घे या तेल उहदे विच नहीं पाना, क्योंकि जे आपां मोइनिंग कर दें ना तो उहदे नाल जिहड़ा साडा भटूरा है पूरियां वाग खस्ता बनना शुरू हो जाता है। असल दे विच भटूरियां वाग वह फुलदा या उहदे वांग जालीदार वह नहीं बनता, इसलिए मोइनिंग नूं तुसी भटूरे बनाने टाइम जिहड़ा वह स्किप कर देना है। 1 कौली दही की लगाने तो बाद उहदे विच आपां थोड़ा जिहा ल्यूक वॉर्म पानी पा पा के माड़ा माड़ा ल्यूक वॉर्म, चलो अजकल तां करन दी जरूरत नहीं है, डायरैक्ट तुसी फिल्टर चों पानी कढ़ो, तो वह पा के तुसी थोड़ा थोड़ा जिहड़ा आटे नूं बनना जिहड़ा गुन्नना हैगा वह स्टार्ट कर देना है। आटे का डो जिहड़ा तुसी सख्त नहीं लगाना, सॉफ्ट जिहा सिंपल जिहा जिहड़ा आपां चपाती लई डो लगाने आ उदां दा ही तुसी आटा गुन्नना है। बस ये है कि थोड़ा जा इनू ज़्यादा टाइम लगता है, ज़्यादा तुहानू जोर लगाना पैंदा है। थोड़ा थोड़ा पानी पाते हुए तुसी आटे नू जिहड़ा हैगा वह गुन्नना जिहड़ा आ वह स्टार्ट कर देना है। ये ऐतवार का साडा लंच सीगा, तो हरिथवी दी ऑर्डर दे उत्ते मैं बनाया सी। हरिथवी 2-3 दिनों तो बहुत ज़्यादा डिमांड कर रही थी, मम्मा जी मैं छोले भटूरे खाने आ, छोले भटूरे खाने आ, तो इसलिए मैं सोचा चलो अज संडे है तो शॉप जी बंद है, तो मैं जिहड़ा आ अज भटूरे बना लैनी हाँ। तो बाकियों वास्ते संडे फंडे हुंदा, लेकिन मेरे वास्ते कोई संडे फंडे नहीं हुंदा। तो संडे मेरा आम दिनों वर्गा दिन हुंदा है, बट मैनू लगता मेरा संडे जिहड़ा ज़्यादा ही बिजी डे हुंदा है। तो सारे दिन मेरे लिए जिदा मान लो ना संडे वर्गे होंगे ने। जो आटा साडा सॉफ्टली सैट हो गया, उस तो बाद आप थोड़ा जहा हथेलियाँ तेल लैके इनू फिर तो 1-2 मिनट अच्छी तरह जरा गुन्नना है। इतने जरा मैं पूरे प्रोसैस लिए तेल यूज़ किया है, वह सरों का कच्ची कणी का तेल ही यूज़ किया है, जिन्होंने मैं पहला ही काढ़ के वो बॉयलिंग टैंपरेचर तक काढ़ के उन्होंने ठंडा करके बॉटल के कंटेनर के पैक करके रख लें। तो आप थोड़ा थोड़ा तेल लगाते हुए फिर इनू जरा मसलना शुरू कर देना है। भटूरे किमें बनने, फुलणगे नहीं फुलणगे, जालीदार बनने, वो सारा डिपेंड करता है कि आप आटे को किस तरह जरा है सैट किया है। जिन्ना वधिया साडा जिन्ना सॉफ्ट साडा जिहड़ा आटा आ वह बनेगा, जिन्ना वो अच्छी तरह फरमेट होएगा उन्ने ही अच्छी तरह जिहड़े साडे आ वह भटूरे बनणगे। तो बस इदां ही जिहड़ा हैगा मैं इहनू करना है। मैं तकरीबन 11 वजे जिहड़ा आटा वह गुन्नना स्टार्ट किया सीगा, तो मैनूं गुन्नण नूं जिहड़े आ वह 15 मिनट लगे सन। मैं इत्थे कोई भी वीडियो की स्पीड नूं जिहड़ा हाई नहीं किया, तां जो तुहानूं अच्छी तरह पता चल सके कि किवें
ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਆਟਾ ਮੈਂ ਭਟੂਰਿਆਂ ਦਾ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਆ ਅਤੇ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਔਖੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਭਟੂਰੇ ਟਰਾਈ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਵੇਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਸੀ ਪਰ ਮੇਰੀ ਉੱਥੇ ਗਲਤੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਇਨਿੰਗ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਭਟੂਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਵਰਗੇ ਹੀ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੇਲ ਲੈ ਕੇ ਆਟੇ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਮਸਲਾਂਗੀ अच्छी तरह जड़ा इनू आपां मसल देना है जिन्ना आपां आटे नू वधिया तरीके नाल बार बार गुन के अच्छी तरह सॉफ्ट करांगे उन्ने ही वधिया भटूरे बन के आणगे इत्थे साडा आटा जड़ा आ उहदा सॉफ्टली डो एकदम जड़ा हैगा वह रेडी हो गया आ ते बस आपां हुण इहनू रख दांगे इत्थे मैं एक जड़ा कपड़ा लै लिया जड़ा किचन दे विच पौणा हुंदा उह लै लो उहनू अच्छी तरह गिला कर लो पानी निचोड़ के लपेट के आपां इहनू की करना कैसरोल दे विच रख देना जड़ा साडा चपाती बॉक्स हुंदा है उहदे विच पानू ढक के रख देना है ये नाल की होएगा आटा जल्दी और अच्छी तरह फॉर्मेट होके रेडी हो जाएगा उन्ने टाइम के आप चने बना लेने ने चने बनाने ने नाल ही मैं अज जड़े नमकीन चावल बनाने ने क्योंकि मैं ऑयली चीज़ नहीं खाती तो मैं सोचा चलो मैं अपने लिए चावल बना लैनी हाँ तो वैसे भी साढ़े इधर कोई भी दिन नहीं होंगे कि आप चावल स्किप करिए चने बनाने लिए इतने मैं उस उबाले सन चने चने बन के रेडी हो गए ने मैं इहदी रेसिपी इस लई नहीं शेयर की क्योंकि ये कुछ एहो जिहा ज़्यादा स्पैशल है नहीं सीगा हरित्वी लई बनाने ने ते बहुत सिंपल चने बनाए ने बस तड़का लगान तो बाद थोड़ा मेरा ये हुंदा है कि इहदे च मैं एक कट के आलू पाया आ तां जो हरित्वी नूं आलू ज़्यादा पसंद है तो वैसे भी जिहड़ी इहदी जिहड़ी तरी होएगी थोड़ी संघनी संघनी लगे तो नाल ही इत्थे मैं रेडी करती पई हाँ अपने लई नींबू पानी क्योंकि खड़े खड़े क्योंकि मेरी सेहत इद्दी चलती पई अजकल तो बीपी मेरा हो गया है लो इसलिए मैं सोचा अपने आप नूं भी हाइड्रेट कर लवां तो चनिया नूं अच्छी तरह तड़का लगाने तो बाद वापस मैं इन्हां नूं जिहड़ियां दो सीटियां लगावांगी तां जो जिहड़ा तड़का आ अच्छी तरह आपस च रल मिल जाए तो वैसे भी हरित्वी नूं जां बच्चे नूं तुसीं अपने किसी भी नूं तुसीं दाल वगैरह देनी है तो उस तों तड़का वगैरह लगाने तो बाद एक दो सीटी जरूर लगाओ उहदे नाल दाल अच्छी तरह पक जाती है तो मसाले अच्छी तरह रल जाते हैं तो बच्चे नूं डाइजेस्ट भी जिहड़ी है वह ईजीली हो जाती है तो बस इस तरह मेरे जोड़े है चने बन गए ने तो एक साइड पर मैं बना लिया रायता रायता बनाया है मैं अज खीरे का जिद मैं एक खीरा कद्दूकस किया एक प्याज कद्दूकस किया एक टमाटर कद्दूकस किया तो दही नूं फेंट के उस मैं पा लिया थोड़ा जहा पिंक साल्ट थोड़ी जी रैड मिर्च थोड़ी जी काली मिर्च के नाल ही सुके हुए पुदीने का जोड़ा आप पाउडर बना के रख्या होया एक चम्मच इन्हों अच्छी तरह घोल लिया क्योंकि साढ़े अज हरी मिर्च नहीं सी इसलिए मैं रैड मिर्च ही डाली वैसे तो दही के हरी मिर्च ही ज़्यादा अच्छी लगती है तो उस तो बाद कद्दूकस किया हुआ एक खीरा नाल ही प्याज और टमाटर जिहड़ा कद्दूकस किया होया सी उहनू दही दे विच मिक्स करके अच्छी तरह जिहड़ा रायता है वह रेडी कर लिया ये रायता उहनां लोकां लई भी बहुत वधिया रैसपी है जिन्हां नूं गर्मियां दे विच भुख घट लगती है उहनां दी एपेटाइट घट जाती है या खाण दा दिल नहीं करता जी मचलदा है या खा लैंदे ने जदों खाणा तो उस तों बाद उहनां नूं वोमिट दा मन हुंदा है उहनां लई ये रैसपी बहुत ही वधिया है फ्रिज दे विच लगाओ जदों अच्छी तरह ठंडी हो जाए तो एक बाउल जिहड़ा तुसीं भर के है लंच दे नाल दही नूं लवो वेट लॉस जिन्हां ने करना है उहनां दे लई भी जिहड़ी रेसिपी है वह बहुत ही वधिया है वॉइस ओवर मैं करती पई हाँ तुहानू जो एक्सट्रा शोर सुनता पाया उहदे लई प्लीज़ सॉरी क्योंकि नाल हरित्वी दी कमेंट्री भी चलती पई है नमकीन चावल जिहड़े मेरे बन के बिल्कुल रेडी हो गए ने बिल्कुल खिले खिले जिहड़े चावल बने ने हुण मैं तकरीबन 1 बजे 11:15 मैं आटा जिहड़ा सैट होण लई रख दिता सी तो तकरीबन 1:10 से जोड़ा मैं आटा है वह कढ़िया सी आटा कढ़न तो बाद बिल्कुल सॉफ्ट अच्छी तरह जरा रेडी हो चुका सी फर्मट होकर फुल चुका सी उस तो बाद असी इनू फिर तो जोड़ा है 4 मिनट अच्छी तरह जोड़ा है वह मसल देना है तुसी इस टाइम जो तुहानू जरूरत पैंदी है तो हत्थां नू तेल लगा सकते हो मैं पूरी प्रोसैस लई जिवें मैं तुहानू दस्सिया कच्ची कनी दा सरों दा तेल ही वरत्या सीगा इहदे नाल की हुंदा है थोड़ा ऑयली जोड़ा है ना वो गलत इफेक्ट जिहड़ा साडे शरीर नूं हुंदा है थोड़ा घट हुंदा है क्योंकि कच्ची कनी दा सरों दा तेल इज़ वेरी गुड फॉर हैल्थ बाकी तेलों की बजाय तो इदा मैं तोड़ के देखा आराम नाल आटा टुट गया इहदा मतलब आटा जिहड़ा साडा आ उह रेडी हो गया पर फिर भी मैं इत्थे 4-5 मिनट जिहड़े आ चंगी तरह आटे नूं मसल मसल के
रेडी करांगी। मैं बिल्कुल भी वीडियो नू दड़ाया नहीं है या कोई भी इनू फॉरवर्ड नहीं किया हो या स्पीड एदी ज़्यादा नहीं की हुई, तो जो मैं चाहती सी तुहानू अच्छी तरह पूरी प्रोसैस जी पता चल जाए, क्योंकि भटूरे बनाने बहुत सौखे ने, बहुत ज़्यादा सौखे ने, बिल्कुल भी औखे नहीं ने। तो घर में बनाई गई चीज़ की कोई रीस नहीं है। मार्केट तो आप भटूरे लैके खावे तो कोई पता नहीं उन्होंने किमें का हाइजीनिक मेनटेन किया नहीं किया, तो हाइजीनिक तुहानू पता ही है कि मेनटेन होंगे बाहर शॉप्स से, तेल किदा का यूज़ किया, कि बार उन्होंने काढ़िया होया या किदा का है, कोई भरोसा नहीं। तो साढ़े बच्चे वह जिंह चीज़ा खाण तो उन्होंने अंदर सिर्फ इनफेक्शन ही जाएगी, होर कुछ नहीं जाएगा। मैदा बच्चों लिए उन्ना हैल्दी नहीं होंगे, लेकिन महीने च एक अद्धी बारी जो तुम कोई भी चीज़ उन्होंने घर बना के रेडी करके दवो तो वो वर्गी तो कोई रीस ही नहीं है। इतने मैं 5-7 मिनट चंगी तरह आटे को जोड़ा है गुन्या, फिर इनू इदा तोड़ के तुम इन्हों के जोड़े पेड़े आ इस तरह करने ने, जिदा मैं करती पी हाँ, हल्का हल्का अंगूठा तो उंगल ना मरोड़ के हल्के हल्के इदा टोटे कट के जेडे आप रख लेने ने। जिदा आप सिंपल चपातियाँ बनाने वास्ते पेड़ा लैने उदा पेड़ा नहीं लैना, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टैप्स ने। एक भी स्टैप नू मिस ना करो, नहीं तो भटूरे थोड़े वधिया नहीं बनेंगे। जे तुसी इन्हां स्टैप्स नू अच्छी तरह फॉलो करोगे तो जिदा मैं भटूरे तलदे टाइम इंजॉय करती पई सी, खुशी अपनी मेरे तो संभाली नहीं जा रही सी, उवें ही थोड़े नाल होएगा। तो हाँ दोस्तों, गरंटी वाली गल है, जे तुसी इस तरह जिहड़ा हैगा भटूरा बनाउंदे हो तो उहदे अंदर तेल बिल्कुल नहीं जाता, बिल्कुल भी तुहानू जिहड़ा तेल है वह महसूस नहीं होंदा। उस तो बाद असीं इन्हां नू हल्का हल्का, मेरा एक पेड़ा डिग गया, चलो कोई गल नहीं, इनू आपां जिहड़ा रोल कर लवांगे। बहुता ज़्यादा जिदा चपाती के पेड़े नू आपां ठप ठप करते हैं उदा आपां नहीं करना, जस्ट सिंपल जिहा रोल कर लेना। कढ़ाई दे विच मैं इत्थे कच्ची कणी दा सरों दा तेल जिहड़ा पहले ही काढ़ के रखिया उहनू गर्म कर लिया है, जिहदे विच मैं भटूरे तलने ने। तो ये तो मेरा मोस्ट फेवरेट ऑयल है हर चीज़ लई। तो इतने हूँ आप भटूरे तलांगे, उहदे लई मैं चकले के उत्ते लगा लिया थोड़ा जिहा ऑयल, एक लै लिया पीड़ा हाथ दे विच, ते पहला मैं उहनू हाथ नाल दबा दबा के जिन्ना यह वड्डा हुंदा है आपां हाथ नाल ही दबा दबा के कर लेना है। तो एक होर तुसीं गल याद रखनी है कि सिर्फ एक भटूरा बेलना है फिर उहनू तल देना है, फिर भटूरा बेलना है फिर उहनू तल लेना है। ये नहीं है कि बेल के रख लेने ने तो फिर उहनां नू तलना है, फिर भी तुहाडे भटूरे जिहड़े आ उह अच्छी तरह दे नाल नहीं बनते। बस इदा ही हाथ नाल आपां फिंगर्स की हैल्प नाल उहनू वड्डा करके उस तों बाद बेलन नाल उहनू यूनीफॉर्म कर लेना है, मतलब कितों मोटा कितों पतला एवें नहीं होना चाहिए, बस उहनू एक सार जिहड़ा हर जगह तो उहदी जिहड़ी मोटाई है वह होनी चाहिए है। वड्डा जिहा आपां उहनू अच्छी तरह इदा बेल लवांगे, तो ध्यान रखना है कि वह यूनीफॉर्म होवे, कितों भी मोटा कितों भी पतला जिहड़ा वह ना होवे। तो बस जिहड़ा साडा वह भटूरा आ वह बो बेल के जिहड़ा है वह रेडी हो चुका है। तो इत्थे मैं थोड़ी जी वेट कर रही सी ऑयल की गर्म होने की, क्योंकि हजे मेरा ऑयल जिहड़ा वह अच्छी तरह गर्म नहीं होया सीगा। भटूरे नू तलन वेले तुसीं इह वी देखना है कि ऑयल अच्छी तरह गर्म होवे, तो भटूरा तुसीं हाई फ्लेम के उत्ते ही तलना। मोस्टली आपां की करते हैं कि जो आप पूरी नू तलते हैं तो फ्लेम नू थोड़ा घट कर लैना, घट फ्लेम के उत्ते उहनू तलदे हां, बट भटूरियां दे नाल एवें नहीं करना। इत्थे मैं आटा पा के देखिया सी ते मेरा तेल जिहड़ा है वह रेडी हो गया, तो मिस्टर बहल भी इत्थे चैक करन आ गए सन, ते आपां बस हुण जिहड़ा भटूरा आ वह पा दिता है। तो हाई फ्लेम ही रखनी है, घट फ्लेम नहीं करनी, तो इदा छन्नी ना उन्हों हिलाई जाना है, तेल चक चक के उपर भटूरे दे पाई जाना है। जो तुहाडे कोल दूजी छन्नी है इहदे जे इदा दी छन्नी है बस इहनू हिलाई जाओ, उहदे उपर भटूरे दे तेल जिहड़ा वह आई जाए, तो जिथों भटूरा फुलना शुरू होए उत्थे हल्का जिहा उहनू दबाओ, पूरा उहनू फुलन दिओ, फिर उहनू जिहड़ा आ उह टर्न कर लो। जिसले मेरा इदा भटूरा फुलिया सी ना, ओ माय गॉड, मैं तुहानू दस नहीं सकती, मैनू अपने आप ते इन्नी, इट्स नॉट अ ईगो या कुछ ऐसा कुछ सैल्फ प्रेज भी नहीं हैगा, लेकिन मैं बहुत खुशी हुई कि वह कुड़ी जिन्हों कदे फुलके भी नहीं बनाने आते थे अज उन्हें भटूरे इदा दे बना ले, मैं बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। तो भटूरा फुलके एकदम रेडी सीगा, ते तेल भी साडा जिहड़ा इस तरह जिहड़ा आ साफ सुथरा ही। बिल्कुल जालीदार भटूरा जिहड़ा इत्थे बन के रेडी है। दोस्तों तुहानू किवें दी लगी रैसपी जरूर दस्सो, तो साडे नाल इंजॉय करो लंच, तो साडे चैनल नू सबसक्राइब तो शेयर जरूर करो, एटलीस्ट अपने एक फ्रेंड नाल तां चैनल नू जरूर शेयर करया करो, तां जो मैनू थोड़ी जी मोटीवेशन। हैलो, सत श्री अकाल दोस्तो, वेरी गुड आफ्टरनून। दोपहर दे 2:45 होए ने ते अज मैं बनाए ने छोले भटूरे, मतलब इन्नी खुशी हुई ना टेस्ट उस, चलो कोई नहीं, मैं भी उदाजी एक खाता है, मैं भी अपना ना वो तोड़ दता है, मैं ऑयली नहीं खाती हाँ, अपना रूल तोड़ता, लेकिन जो पहला भटूरा फुलिया ना इन्नी मैनू खुशी हुई, हाय जे मैं बना सकती ना हर कोई बना सकता। तो मेरा हाल देख लो, सवेर के बाल जड़े ने मैं गिले ही इदा कट्ठे कर ले,
ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵਲੌਗ ਐਡਿਟ ਕਰਾਂਗੀ ਨਾਲ ਬਾਲ ਸੁਖਾ ਲਾਂਗੀ ਪੱਖੇ ਥੱਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਐਡਿਟ ਕਰਕੇ ਪਾਵਾਂਗੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹਾਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਲਾਂ ਬਾਬੂ ਜੀ ਹਣੀ ਹਜੇ ਖਾਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣੀ ਕੈਸੇ ਬਣੇ ਹੈ ਯੰਮੀ ਕਿੰਨੇ ਯੰਮੀ दो तीन दिन तो रोला पाया सी मम्मा छोले भटूरे खाने मम्मा छोले भटूरे खाने फिर मैं सोचा ऐसे संडे नू बनाऊंगी क्योंकि थोड़ा जा टाइम तो ज़्यादा लगता ही है इसलिए मैं अज बनाए ने ते हुन मैं बाल वगैरह सुखा लवा थोड़ी जी देखती हाँ जो रेस्ट होएगी रेस्ट तो चलो फिजिकली तो हो जाएगी मैंटली हजे नहीं होएगी ब्लॉग एडिट करना है तुम भी जरूर ट्राई करो मेहंदी वालों मेरा मन बड़ा उदास है चलो ये फटाफट उतर दी ना फिर मैं रखड़ी तो लगानी है बत्ती आ जाए।